बड़ी जीत के बाद मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए हैं। दूसरी मर्तबा स्नूकर आलमी चैंपियन बनने पर मोहम्मद आसिफ का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ये मेरे अकेले की नहीं पूरे पाकिस्तान की जीत है। आलमी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने दूसरी मर्तबा स्नूकर आलमी चैंपियन बनकर एक बार फिर अपनी बड़ी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। मोहम्मद आसिफ ने जीत का टाइटल कश्मीरियों के नाम कर दिया। BSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर तुर्की से वतन वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। आलमी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बड़ी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ। ये मेरे अकेले की जीत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जीत है। आवाम से बहुत मोहब्बत मिलती है लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई हौसला अफजाई नहीं मिली। की जीत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। मैं सेकंड टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टूर्नामेंट जो है काफी मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अपने नर्व्स पे कंट्रोल करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं टूर्नामेंट जीत चुका हूँ। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। जो टाइटल जीता हूँ ये मैं अपनी कौम के नाम करता हूँ, अपने कश्मीरी भाइयों के नाम करता हूँ। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में फिलीपीन के खिलाड़ी जेफरी रोडा को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है।